तो चलो गाइस, फाइनली वन पीस मंगा चैप्टर 1091 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। इस बार तो कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया न्यू स्पॉयलर्स का आने के लिए। मैं 2-3 दिन से वेट कर रहा था कि स्पॉयलर्स आ जाए, लेकिन अभी तक प्रॉपर तरीके से स्पॉयलर्स आए नहीं है। 2-3 दिन के अंदर बस थोड़े थोड़े करके स्पॉयलर्स आए, जहाँ पर हमको फाइट किस किस के बीच में होने वाली वो बताया गया है। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि लूफी बोल रहा है कि कोई तो भी स्ट्रांग बंदा अभी एक हेड के ऊपर आ चुका है। तो चैप्टर के अंदर हमको पता चला कि ये जो बंदा कोई और नहीं बल्कि किजारू ही है। लूफी किजारू के बारे में बात कर रहा था कि कोई स्ट्रांग बंदा एक हेड के ऊपर आ चुका है। स्पॉयलर्स के हिसाब से इस वाले चैप्टर का नाम सेंटामारू होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमको स्टार्टिंग में सेंटामारू और किजारू के बीच में फाइट देखने को मिलने वाली है। और इन दोनों की फाइट का कंक्लूजन तो भाई एक ही है, यहाँ पर सेंटामारू किजारू से हार जाता है। सेंटामारू के पास में इतने सारे पैसा पिस्टास थे, लेकिन वहाँ पर किजारू अपनी यातनोगामी पावर्स का यूज करके सारे के सारे पैसा पिस्टास को हरा देता है। लेकिन सेंटामारू और किजारू के बीच में थोड़ी सी इमोशनल बॉन्डिंग थी, तो यहाँ पर इनके पैनल हमको ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं कम्पेयर टू बाकी अदर फाइट, जिनके हमको एक एक दो दो पैनल देखने को मिलने वाले हैं। वहाँ पर बस फाइट स्टार्ट ही होने वाली है। लास्ट चैप्टर के एंड में हमको पता चल गया था कि रॉब लूसी तो गद्दार निकला, उसने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गोरुसे को बता दी थी कि एक हेड के ऊपर अभी क्या चल रहा है। और इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि लूसी गद्दारी करके वेगापंक को मारने का चाह रहा था, लेकिन वहाँ पर जोरो बीच में आ जाता है। एक हेड के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि रॉब लूसी लूफी के हाथ से पिटा था, अभी एंडिंग के अंदर भाई रॉब लूसी से जोरो होने वाला है। यहाँ पर जोरो तो भाई रॉब लूसी का भट्टा बना देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि लूसी ने अपनी अवेकम फॉर्म का यूज नहीं करा था वेगापंक को मारने के लिए, वो अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर ही वेगापंक को मारने का ट्राई कर रहा था। लेकिन वहाँ पर बीच में जोरो आ जाता है, लूसी के अटैक को ब्लॉक कर देता है। इस चैप्टर के अंदर जोरो वर्सेस लूसी तो होने वाला है, लेकिन इन लोग के फाइट के पैनल हमको मुश्किल से एक या दो देखने को मिलने वाला है। शायद से उनके पैनल एंड पैनल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर सेंटामारू को लेकर बनाया गया है। तो यहाँ पर बस सेंटामारू और किजारू की स्टोरी दिखाई जाएगी। एक साइड यहाँ पर जोरो वर्सेस लूसी हो रहा था, लेकिन दूसरी साइड में हम देखते हैं कि वहाँ पर सनी और वेगाफोर्स के ऊपर बाकी सी भी जोरो के मेंबर्स अटैक कर रहे थे, जहाँ पर फ्रेंकी और बोनी 1000 सनी और वेगाफोर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन हमको बाकी के क्रू का भी पता नहीं चला कि बाकी के मेंबर्स कहाँ घूम रहे हैं। चैप्टर के एंडिंग में हमें फाइनली लूफी वर्सेस किजारू की फाइट दिखाई जाएगी, जहाँ पर किजारू लूफी के ऊपर दूर से अटैक करता है, लेकिन लूफी अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर ही किजारू के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जहाँ पर वो गेयर फाइट के अंदर भी नहीं था। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस वाले चैप्टर के अंदर हमें लूफी वर्सेस किजारू की प्रॉपर फाइट देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सेंटामारू रखा गया है। तो यहाँ पर ज्यादातर हमको सेंटामारू का ही पार्ट दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर बस हमको किजारू को ही दिखाया गया जो की एगेड के पार से अंदर आ चुका है। लेकिन अभी तक हमको वाइस एडमिरल्स के बारे में पता नहीं चला, ना ही गोरुसे के बारे में कुछ पता चला कि वो एगेड के ऊपर आ रहे या नहीं आ रहे। यहाँ पर अभी एगेड के ऊपर बस नेवी के कुछ गिने चुने ही बंदे हैं, एक एक किजारू और दूसरा SCP-0 के कुछ मेंबर्स। अभी तक इस वाले चैप्टर के स्पॉयलर्स प्रॉपर तरीके से नहीं आए हैं, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर बस हमको इतने स्पॉयलर्स देखने को मिले जो कि काफी ज्यादा कम है। इसलिए मैं अपने दिमागी घोड़ों को ज्यादा दौड़ाना नहीं चाहता हूँ, क्या पता मैं वीडियो बना दूं और नए स्पॉयलर्स आ जाए। तो नए स्पॉयलर्स आ भी गए तो मैं इसके ऊपर जल्दी वीडियो बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।